हाय गाइस, वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल नथिंग इज इम्पॉसिबल। आई होप आप सब फिट होंगी और गार्डनिंग में बिजी होंगे। देखिए गाइस, ये मेरा टगर का प्लांट कितनी अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है। पेड़ पौधों को देखने पर बहुत ही सुकून मिलता है। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने घर से निकले कबाड़ का यूज़ गार्डनिंग में करें। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ ये एलोवेरा के प्लांट। एलोवेरा जेल हमारी बहुत ही काम आता है। ये मेडिसिनल वैल्यू वाला प्लांट है। इसका जूस पिया जा सकता है। इसकी जेली को बालों में और स्किन पर लगाया जाता है। तो आप इस तरह से हमारे घर से जो शॉपर्स निकलते हैं उनके अंदर एलोवेरा प्लांट लगाकर इसकी जो बेनिफिट्स होते हैं उन्हें आप भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये एक छोटे से 1 लीटर के ऑयल कंटेनर के अंदर मेरा डेविल्स बैकबोन का प्लांट लगा हुआ है, जो पिछले 2 साल से इसके अंदर लगा हुआ है। तो इस तरह के ये जो कैन होते हैं ये काफ़ी अच्छे चलते हैं। और अब इसे 2 साल कंप्लीट होने आए हैं तो थोड़ा ये टूट फूट गया है। मैं जल्दी इसे एक नया पॉट दे दूंगी जैसे ही मुझे थोड़ा वक्त मिलेगा। ये देखिए गाइस, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है जिसे मैंने कट करके और इस तरह की ये ऊपर शेप दी है और इसे थोड़ा पेंट करके सुंदर लुक देने की कोशिश की है। और इसके अंदर मैंने ये पॉलका डॉट का प्लांट लगाया जो कितनी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। और इसी प्लांट से मैंने एक कटिंग लेकर के इस डिस्पोजिबल ग्लास के अंदर लगाई है जो चल पड़ी है। न्यू ग्रोथ आप देख पा रहे होंगे कि इतनी ये नई न्यू ग्रोथ इसके अंदर डेवलप हुई है। इधर ये देखिए, ये हमारे मिल्क पाउडर का डिब्बा है जिसके अंदर मैंने ये यूफोर्बिया मिली का प्लांट लगाया है। अच्छी ग्रोथ कर रहा है और इसके अंदर अब फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। ये 5 लीटर की ऑयल कैन जो होती है उससे मैंने एक डक प्लांटर लगाया है और उसके अंदर मैंने ये सूरजमुखी के प्लांट लगाए हैं। देखिए सूरजमुखी के फ्लावर्स कितने मज़े से ब्लूम कर रहे हैं। साथ ही इधर ये ऑयल कैनी है जिसके अंदर मैंने ये पर्पल हार्ट का पौधा लगाया है। बहुत ही मज़े से चल रहा है ये पर्पल हार्ट का पौधा। साथ ही इधर ये हमारी रैन लिलीज है। और इसी तरीके से ये एक और मैंने गिलहरी का प्लांटर बनाया और जिसके अंदर देखिए ये हमारा स्पाइडर लिली कितना मज़े से चल रहा है। बहुत ही अच्छी ग्रोथ है इसके अंदर और काफ़ी फ्लावर्स देता है ये प्लांट। इसी तरह ये एक और ऑयल कैन के अंदर मैंने विंका का प्लांट लगाए हुए हैं जो कि बहुत ही हैवी ब्लूमिंग कर रहे हैं। सारे पौधे इनके अंदर बहुत ही हेल्दी हैं और हैवी ब्लूमिंग कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आप भी अपने घर से निकले कबाड़ को यूज़ करेंगे तो एक तरफ जहां हमारा पर्यावरण शुद्ध बनेगा, साथ ही हमें किसी तरह के पॉट के लिए पैसे नहीं खर्च करने होंगे और हम ज़्यादा प्लांट्स जो हैं अपने गार्डन के अंदर ऐड कर पाएंगे। देखिए ये डक प्लांटर आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। इसके अंदर ये मेरा येलो लिली का प्लांट
चल रहा है। मैं सोचती हूँ आपको मेरा ये डक प्लांटर अच्छा लगा होगा। ऑयल कैन से ही बनाया हुआ ये एक और प्लांटर है मेरा, जिसे मैंने कुछ इस तरह का लुक दिया है और इसके अंदर सॉइल फिल कर चुकी हूँ। जल्द ही इसके अंदर एक प्लांट लगाने वाली हूँ। अभी विंटर के अंदर हमारे गेंदा के फ्लावर्स जो हैं बहुत ही ब्लूम करने लगे हैं, तो हमें बहुत सारे प्लांटर्स की ज़रूरत होती है। बहुत ही ईजी टू ग्रो होते हैं ये प्लांट, तो इस तरह के प्लांट को लगाने के लिए आप इस तरह के शॉपर्स का यूज़ कर सकती हैं। इनके अंदर ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करते हैं। देखिए कितना हेल्दी है ये मेरे गेंदे का प्लांट। इसको मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो किया था। बहुत सारा स्टेम इसके अंदर लगा है और जितना ज़्यादा स्टेम और शूट्स होती है उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। इधर ये देखिए कॉस्मोस के अंदर कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, और आप जानना चाहेंगे कि ये ब्लूमिंग जो है इसके लिए पॉट कैसा है। तो देखिए गाइस, मैं ये बताती हूँ आपको कि ये प्लांट मेरा किस में चल रहा है। ये देखिए, ये एक नमकीन का शॉपर है जिसके अंदर मैंने ये कॉस्मोस का प्लांट लगाया है, जिसमें इतनी अच्छी हैवी शानदार ब्लूमिंग हो रही है। साथ ही मेरा ये येलो कनेर का प्लांट है, कितना बुशी और घना फैला हुआ है, और इसे भी मैंने एक शॉपर, ये देखिए मेरे चंपा का प्लांट जो मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो किया था, कितना अच्छा बड़ा हो गया है, और ये भी एक शॉपर के अंदर लगा हुआ है। कितनी अच्छी ग्रोथ इस शॉपर के अंदर ही हुई है। साथ ही ये मेरा एक रेड कनेर का प्लांट है जो इस शॉपर में लगा हुआ है। साथ ही ये कैना लिली के प्लांट भी लगे हुए हैं जो शॉपर्स के अंदर लगे हैं। ये मेरा लॉरो पेटालम का प्लांट कितना हेल्दी है और कितना बुशी है, ज़रा इसे भी देखिए ये किस में लगा है। तो देखिए ये भी एक शॉपर में ही लगा है। तो गाइस, आप इस तरीके से शॉपर्स का यूज़ करके अपने गार्डन में और ज़्यादा ग्रीनरी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सरी से जो प्लांट लाए जाते हैं उन्हें खाली करके आप उनका रीयूज़ भी कटिंग्स लगाने के अंदर कर सकते हैं। देखिए ये मैंने इनके अंदर कटिंग लगाई हुई है, और ये इधर कॉम्फ्रेना लगाया है, इधर ये एक पंचटिया का प्लांट लगा है, और इधर ये मैंने एक गुड़हल की कटिंग लगाई है। सभी कटिंग्स जो हैं अच्छी चल रही है, तो इन नर्सरी बैग का यूज़ आप कर सकते हैं कटिंग्स को लगाने के अंदर। ये एक रसेलिया की कटिंग लगाई थी जिसमें देखिए फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। इस तरह के जो टब वगैरह हैं उसके अंदर आप अपनी कटिंग्स के बैग रख सकते हैं, साथ ही कुछ प्लांट भी लगा सकते हैं। जैसे ये मेरे इधर पत्थरचट्टा के प्लांट लगाए हैं, इधर ये मेरा एक तुलसी का प्लांट भी इसी में चल रहा है, साथ ही ये बैग्स मैंने रख दिए हैं इसके अंदर। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कबाड़ का रीयूज़ आप अपने गार्डन में करके पर्यावरण को सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ।